इनकी धरती पे एकाद कवि भूख से मर गया तो नरक जरूर पहुंच जाए। सोई हसरत ना जगा ली जाए, उसकी तस्वीर निकाली जाए। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हंसी ठाके मुस्कुराहट और मोहब्बत उस कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या है, फिर से बोल दीजिए। भाई जिंदगी में लोग सवाल अक्सर करते हैं, अजीब से सवाल करते हैं। तो मैं एक बार ओशो रजनीश को सुन रहा था, वो कहते हैं हमारे परिवार में एक दादाजी थे, वो सबसे एक सवाल करते थे। इधर आओ बताओ, अकल बड़ी की भैंस, अब कोई जवाब क्या दे। सब कह देते थे हाँ अकल, सबसे पूछते बताओ अकल बड़ी की भैंस, बोले मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन मैं कहा पूछो मुझसे पूछो, हाँ बता अकल बड़ी की भैंस, बोले भैंस। बोले कैसे, क्योंकि बोले वो हमसे सवाल नहीं करते। और बोले मस्त नदी में बैठी रहती है, तालाब में, मतलब तालाब में आराम से बैठी है। और बोले किसी से सवाल नहीं करती कि अकल बड़ी के भैंस, क्योंकि उसे पता मैं बड़ी हूं। ये तो तुम्हारी अकल है जो ऐसे सवाल करती हो अकल बड़ी के भैंस। अब सवाल ऐसे ही करते ना, अच्छा महिला जब आपस में मिल जाती है तो उनका सवाल नॉर्मली जो सवाल होता है ना, भारत में 90% महिला जब आपस में मिलती है तो एक ही कहां से लिया। और कई महिलाएं इंतजार भी नहीं करती कोई सवाल पूछे, खुद ही जवाब दे देती है। जैसे दो महिलाएं मिली तो एक ने दूसरे को पूछा, अरे तुम्हारे नेकलेस बहुत अच्छा, हाँ हम भैया ने लेके दिया था 40,000 का पड़ा। तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी, हम मामा ने लेके दी थी 5,000 की पड़ी है। तो तुम्हारे जूते भी बहुत अच्छे, हाँ ये बुआ लेके आई थी है ना 3200 के पड़े। तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, पापा ने लेके दिया था 40,00,000 के पड़े हैं। कुल मिलाकर सवाल जवाब जिंदगी में ठीक होने चाहिए, अगर सवाल ठीक नहीं तो जवाब ठीक नहीं मिलेंगे। और जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब शब्दों में नहीं होते, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब आप बोल के नहीं दे सकते, कुछ भावना ऐसी होती है जिन्हें आप कह के व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन खुदा ने आंखें जो हमें अंग दिया है वो ऐसा दिया है, ये सब कुछ बोल देता है। आपको अल्फाज की जरूरत नहीं होती, शब्द की जरूरत नहीं होती, लेकिन आंखें बता देती है कि इन आंखों में क्या है। और ये कुव्वत ये ताकत इंसान को खुदा ने कहीं ना कहीं दी है कि वो इन आंखों को पढ़ सके। और जब आंखों को पढ़ लेता है फिर वो ढालता है उसे अपने शब्द में और वो कवि और शायर हो जाता है। तो हमारे साथ वो लोग बैठे हैं जो इस जमाने की आंखों को पढ़ते हैं और अपनी कविताओं में ढालते हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं वाह भाई वाह। और मैं सबसे पहले उसका परिचय कराना चाहता हूं जो पहली बार टेलीविजन शो में आ रहा है। जब कोई पहली बार आता है कविता, लेकिन हमारा कर्तव्य हमारा फर्ज है, आप जानते हैं, जैसे कि मैं लोगों को प्रतिभाओं को ढूंढ ढूंढ के लेके आता हूं ताकि देश के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, ऐसे ही पंजाब में पटियाला के रहने वाले और गजल पे अपनी दखल रखते हैं शेर कहते हैं अश्विनी मित्तल ऐश हमारे बीच में, उनका स्वागत है। और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की एक नव युवती जो वीर रस की कविताएं करती है, शेर भी कहती है और बड़े आत्मविश्वास के साथ पढ़ती है और अपनी जगह बनाने के लिए बहुत जुनून के साथ लगी हुई है, और निश्चित तौर पे वो अपनी जगह बनाने के लिए न केवल बेताब है बल्कि जगह बनाए भी। ज्योति त्रिपाठी हमारे बीच में, और इन दोनों के बीच में मतलब साइड में एक व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जिन्हें उधार के कपड़े नहीं फबते हैं। प्रोडक्शन वालों ने पहना तो दिए पर पता नहीं ये व्यक्ति उनमें कैसा लग रहा है। इधर खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या पहन बैठा हूँ मैं, ये कुर्ता और ये बंडी। ज्योति त्रिपाठी जगह बनाने के लिए बेताब है, उसकी जगह बनेगी, लेकिन आशकर्ण अटल पिछले 40 साल से अपनी जगह बनाने के लिए लगे हुए हैं और कोई उम्मीद नहीं है कि जगह बने। लेकिन इनके
साथ जीवन में हादसे होते रहते हैं, लेकिन उन हादसों से जो हास्य निकलता है वो अद्भुत होता है। एक ऐसी कमाल की और अद्भुत सिचुएशनल पोएट्री के लिए बिल्कुल ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों की तरह वो कविता है, मैं बुलाना चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ आश करण अटल जी को। आज शैलेश ने मुझे बहुत छेड़ा, तो क्यों ना ऐसी कविता सुना दूं आपको जिसमें इनके ऊपर भी आपको खूब हंसी आए। कविता का शीर्षक है वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका। लोग बाग पुलिस वालों पे लिखते हैं, लोग बाग नेताओं पे लिखते हैं, यह कविता मैंने कवियों पे लिखी है और बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। काफी साल पहले की बात है, मैं और शैलेश भाई हम अमेरिका गए थे एक कवि सम्मेलन में, और पहले बता दूं मैं, हम दोनों शुद्ध शाकाहारी हैं, खाने में लहसुन भी नहीं खाते, खाने में हम दोनों को पराठे बहुत पसंद है। यहां तो बढ़िया होटल में इंतजाम था, आराम ही आराम था, लेकिन होटल के रेस्टोरेंट में पानी के अलावा सब कुछ था मांसाहारी, और हम दोनों कवि थे शाकाहारी। धर्म बचाते तो प्राण गंवाते, प्राण बचाते तो धर्म गंवाते, किससे करते फरियाद, आयोजक आने वाला था दो दिन बाद। शैलेश और मैंने 50वीं बार पानी पिया और 60वीं बार संकल्प लिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर मटन न खाई, प्राण जाए पर चिकन न खाई। टीवी पे न्यूज आ रही थी अगले साल अमेरिका वाले मंगल पे पहुंच जाएंगे। शैलेश बोला ये अमेरिका वाले मंगल पे तो पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इनकी धरती पे एक आध कभी भूख से मर गया तो नरक जरूर पहुंच जाएगा। दोनों होटल से बाहर निकले, हर तरफ बिखरा था अमेरिकी वैभव, और उस वैभव से दूर हम दो वैष्णव, खूबसूरत सड़कें, लंबी लंबी इमारतें देखकर मैं बोला वाह क्या रंगत है, दो प्लेट समोसे मिल जाते तो हो जन्नत है। दो प्लेट समोसे मिल जाते तो हो जन्नत है। शैलेश बोला मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन खाना खाए बिन वैसे ही बुरी हालत थी, इस बुरी हालत में समोसे याद दिलाने की क्या जरूरत थी। समोसे याद दिलाने की क्या जरूरत थी। एक नई थ्योरी दे जाऊंगा मरता मरता कि बिना अमेरिका आए तो कोई भी जी सकता है, लेकिन बिना खाए नहीं जी सकता, बिना खाए नहीं जी सकता। और सिचुएशन बदलती है, तभी एक साहित्य प्रेमी टकराया, सुन के हमारा धर्म संकट अपने घर ले आया और ढेर सारा दलिया फ्रिज से निकालकर हमारे सामने धर दिया। अच्छा, बोला हाल फिलहाल तो यही तैयार है अगर आपको स्वीकार है। दोनों बोले स्वीकार है, स्वीकार है, अरे दलिया तो अमृत है, ऋषियों का आहार है। साहित्य प्रेमी बोला ये दलिया बना था मेरे अंकल के लिए, वे भी ऋषि ही थे समझिए, डिनर में हमेशा दलिया खाते थे, हफ्ते भर का एक साथ बनवा के फ्रिज में रख जाते थे, अभी एक दिन ही खाया था कि दुनिया से मुंह मोड़ गए, हमारे लिए दुख और आपके लिए दलिया छोड़ गए। बहुत बढ़िया जल्दी, बहुत अच्छे। मैं बोला ये हुआ ना ऋषियों वाला काम, दलिया छोड़ गए इसलिए। मैं बोला ये हुआ ना ऋषियों वाला काम, उनकी आत्मा को शांति दे श्री राम। साहित्य प्रेमी बोला दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जितने दानों पे उनका नाम था उतना ही उन्होंने खाया। शैलेश बोला उनकी शरफत देखिए, हमारे नाम वाले दानों को हाथ भी नहीं लगाया। बहुत बढ़िया। अब दोनों दलिये पर टूट पड़े, ठूस ठूस के खाया और हर कौर के साथ साहित्य प्रेमी का आभार जताया, आप महान हैं, देवता समान हैं, आपके जैसा साहित्य प्रेमी ढूंढे से नहीं मिलेगा, हिंदी साहित्य आपका सदा आभारी रहेगा। अब इसे हमारा नसीब माने या ऊपर वाले का मजाक जाने, इधर हम बासी दलिये से पेट भर रहे थे, उधर गरम पराठों का निमंत्रण लिए आयोजक के रिश्तेदार होटल में हमारा इंतजार कर रहे थे। बहुत बढ़िया।
हम लौट के आए तो पता चला वे अभी अभी घर गए हैं, हमारे लिए एक मैसेज छोड़कर गए हैं, एक घंटे तक इंतजार करूंगा फिर नहीं मिल सकूंगा, आ जाइए खाना तैयार है, आलू के पराठे, मटर पनीर और साथ में अचार है। अब हम दोनों ठगे ठगे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, सामने गरम पराठों का निमंत्रण धरा था पर खाते कैसे, गले तक तो दलिया भरा था। बहुत बढ़िया अटल जी। अब सब आदमी की फितरत देखिए कि जो दलिया कुछ देर पहले अमृत समान था अब वो अमृत समान न रहा। जो साहित्य प्रेमी कुछ देर पहले महान था अब वो महान न रहा। मैं बोला यहाँ अमेरिका आकर भी दलिया ही खाते हो, इस जिंदगी का एक दिन का भरोसा नहीं, फिर 7 दिन का दलिया एक साथ क्यों बनाते हो। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, पूरे अमेरिका पे हम दोनों का ही लिखा था नाम। करके ना दुश्मन वाला काम। हमारे चेहरों पे उभर आया दर्द देखकर होटल का मैनेजर बोला कैन आई हेल्प यू सर। सेलेस बोला चिढ़ते चिढ़ते तुम तो क्या तुम्हारे राष्ट्रपति भी इसमें हेल्प नहीं कर सकते। मैनेजर की कल्पना से परे था हमारा दुख हमारा अवसाद, विदेशी क्या जाने भारतीय भोजन का स्वाद। पंजाब के समोसे, दक्षिण के डोसे, कोलकाता के रसगुल्ले, दिल्ली की चाट और दही भल्ले, मारवाड़ की दाल बाटी, मुंबई की पाव भाजी, हर पकवान का स्वाद निराला, जिसके सामने ये बर्गर वर्गर टिकता कहाँ है साला। क्या बात है। उसी स्वाद के कारण हम चांद पर गए नहीं, उसी स्वाद के कारण हम घर से निकले नहीं, बस स्वादिष्ट और मसालेदार खाना मिल गया तो ऐसा लगा जैसे तीनों लोक का राज मिल गया। क्या बात है। वाह वाह अटल जी वाह, बहुत बढ़िया। वाह अटल जी वाह, क्या बात है। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, बड़ी दो सुपरहिट फिल्में जो रही, एक थी शाहिद कपूर और अमृता राव की विवाह और एक सलमान खान जी की प्रेम रतन धन पायो। दोनों ही फिल्मों के डायलॉग्स जो हैं वो आशिका अटल ने लिखे थे, दोनों बड़ी सुपरहिट फिल्में थी। पर आपने बड़ा खूबसूरत लिखा था प्रेम रतन धनवार, इस तरह की कविताएं आप हमेशा लिखते रहे हैं, बड़ी कमाल की कविताएं। और आइए अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं उस युवा लड़के को जो पहली बार इस मंच पे, और मुझे मालूम है पहली बार जब अपनी गजल पढ़ेगा तो सीधा सीधा आप कहेंगे भाई इतने दिनों तक ये लड़का कहाँ था, हम उसे ढूंढ लाए। मैं उसे ढूंढ लाया हूँ आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, अश्विनी मित्तल ऐश। जोरदार ताली। चार मिसरे देखें कि सोई हसरत ना जगा ली जाए, उसकी तस्वीर निकाली जाए। सोई हसरत ना जगा ली जाए, उसकी तस्वीर निकाली जाए। दूध जैसी तू मैं चाय पत्ती, मिलके चाय ना बना ली जाए। दूध जैसी तू मैं चाय पत्ती, मिलके चाय ना बना ली जाए। एक गजल से कुछ और शेर देखें कि मैं तेरे दर्द को आराम नहीं दे सकता, मैं तेरे दर्द को आराम नहीं दे सकता, नीम का पेड़ कभी आम नहीं दे सकता। नीम का पेड़ कभी आम नहीं दे सकता, तेरी मुश्किल में तेरा साथ तो दे सकता हूँ। वाह वाह। तेरी मुश्किल में तेरा साथ तो दे सकता हूँ, तेरे बच्चों को मेरा नाम नहीं दे सकता। क्या बात है, क्या बात है, वरुण वाह। तेरी मुश्किल में तेरा साथ तो दे सकता हूँ, तेरे बच्चों को मेरा नाम नहीं दे सकता, अपने माँ बाप को आराम नहीं दे पाया। क्या मिश्रा अश्विन, अपने माँ बाप को आराम नहीं दे पाया, अपने माँ बाप को आराम नहीं दे पाया, अपनी औलाद को इल्जाम नहीं दे सकता। आए, आए, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है अश्विनी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने माँ बाप को आराम नहीं दे पाया, अपनी औलाद को इल्जाम नहीं दे सकता, अपनी औलाद को इल्जाम नहीं दे सकता, मैं तेरे दर्द को आराम नहीं दे सकता, नीम का पेड़ कभी आम नहीं दे सकता।
क्या बात है, वाह वाह वाह। रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि जब कोई इंसान चला जाता है, हमारे अंदर एक 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 फैक्टर आ जाता है कि ये बात हमें उसे कहनी है। देखें चार मिसरे देखें कि दर्द सहना बहुत जरूरी है, दर्द सहना बहुत जरूरी है, दर्द सहना बहुत जरूरी है, जिंदा रहना बहुत जरूरी है, अब वो मेरे लिए जरूरी नहीं, अब वो मेरे लिए जरूरी नहीं, उससे कहना बहुत जरूरी है। उससे कहना बहुत जरूरी है। दर्द सहना बहुत जरूरी है, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। देखें आखिरी शेर, आखिरी कुछ मिसरे देखें कि कोई उम्मीद बाकी थी ही नहीं, कोई उम्मीद बाकी थी ही नहीं, इसलिए कुछ सफाई दी ही नहीं, मैं उसे छोड़कर चला आया, वो मुझे छोड़कर गई ही नहीं। हाय हाय, आज वो ऐसे जानती है मुझे जैसे वो मुझको जानती ही नहीं। क्या बात है, क्या बात, बहुत शुक्रिया, वाह वाह अश्विनी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यार मुझे एक बात बताओ, ये जितने नई पीढ़ी के शायर हैं तुम्हारी तरह, इतना अच्छा कह रहे हैं, बढ़िया शेर कर रहे हैं, पर इतने टूटे दिल की बातें क्यों कर रहे हैं यार? जैसे मुझे जानती नहीं, तेरे बच्चों को नाम नहीं दे सकता, छोड़ के चली गई टाइप्स की, क्या क्या हाल बना रखा है अश्विनी? इधर जुल्फे लटका रखी है, इधर दाढ़ी बढ़ा रखी है, यार क्या कर रहे हो तुम यार? अरे ये दिल तोड़ने वाली उम्र थोड़ी है यार। और दुनिया का सबसे बड़ी जो गलतफहमी है वो है प्यार एक ही बार होता है। पूछो आजकल अटल से, कैलेंडर तो छोड़ो, महीना बदला नहीं पर मोहब्बत बदली। और ये दिल तोड़ने मरने की बात मत करो। देवल आशीष, स्वर्गीय देवल आशीष जो बड़ा प्रिय था मेरा, उसका एक शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, और जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या? ये और अब उस नवयुवती को मैं बुलाना चाहता हूं जो जितनी प्रतिभा के साथ वीर रस की और ओज की बातें करती है, उम्र तो उसकी मोहब्बत वाली है ना, तो उतनी शिद्दत के साथ मोहब्बत की बातें भी करती है। तो मैं चाहता हूं ज्योति त्रिपाठी आए और अपना ये रूप भी दिखाएं। तुम्हारे सारे खतों को जला के आई हूँ, तुम्हारे सारे खतों को जला के आई हूँ, निशानी इश्क की सारी मिटा के आई हूँ, न चाह कर भी मुझे फैसला ये लेना पड़ा, न चाह कर भी मुझे फैसला ये लेना पड़ा, तुम्हारी याद का दीपक बुझा के आई हूँ। आए हाय, आए हाय, तुम्हारे सारे खतों को जला के आए हूँ, निशानी इश्क की सारी मिटा के आए हूँ, आज ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, बच्चों को मैं घर पे सुला के आई हूँ। और शेर देखें कि खुदा हटाएगा पत्थर जो मेरी राह में है। अच्छा मिसरा, खुदा हटाएगा पत्थर जो मेरी राह में है, खुदा हटाएगा पत्थर जो मेरी राह में है, किसी की राह के पत्थर हटा के आई। हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, अरे बहुत बढ़िया शेर है, वाह ज्योति वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। कि मुझे गुरूर है अपनी पवित्रता पे बहुत। क्या बात है, मुझे गुरूर है अपनी पवित्रता पे बहुत, मुझे गुरूर है अपनी पवित्रता पे बहुत, शरीफ जादों से दामन बचा के आई। हाय हाय, हाय हाय, मुझे गुरूर है। वाह वाह वाह, ये नफरतों की हवाएं शिकस्त खाएंगी, ये नफरतों की हवाएं शिकस्त खाएंगी, मोहब्बतों की मैं गंगा नहा के आई। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया ज्योति।
बहुत बढ़िया ज्योति तुम्हारे शेर जो है बड़े कमाल के हैं, किसी की राह का पत्थर हटा के आए हो, क्या बढ़िया शेर है। खुदा हटाएगा मेरी राह के पत्थर क्योंकि मैं किसी की राह का पत्थर हटा के आई हूँ। ये बहुत बढ़िया बात है, आप अच्छाई करेंगे तो अच्छाई आप तक जरूर लौट के आएगी, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत बधाई बधाई आशा अटल, ज्योति त्रिपाठी और अश्विनी मित्तल ऐश को कि उन्होंने आज के एपिसोड में चार चांद लगा दिया। अद्भुत है ये लोग क्योंकि इनके पास कविता की ताकत है, और यकीन मानिए जिसके पास कविता की ताकत होती है मतलब ईश्वर उनके साथ है। और बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग कि माँ सरस्वती का आशीष आप पर है और ईश्वर आपके साथ है। आप बस इसी तरह से यूं ही कविताएं करते रहें, यहाँ आते रहें, और हम आपके लिए कहते रहें वाह भाई वाह।